जैसे कभी कभी समाजवादी पार्टी के लोग मिल रहे हैं तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि चुनाव जीत गए, लगता है ना? उसका ठीक से हमको आपको जवाब देने की जरूरत है। अगर जवाब हो ना हो तो मैं जवाब आपको बता देता हूँ, उस जवाब को रट लीजिए, उस जवाब को आपको देना है। केवल 2014 और 19 का लोकसभा का जो चुनाव परिणाम है उस पर आप नज़र दौड़ा लीजिए, आपको साफ समझ में आ जाएगा। जैसे आज भी नामांकन में और जगह जगह मैं कह रहा हूँ कि हमारा NDA के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर उतने वोटों से जीतेंगे जितना सपा और बसपा वोट पाएगी, उतने वोट से हम चुनाव जीतेंगे। इसी कारण नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह, संजय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल रहे हो, मैं बात कर ली, हम कहाँ से बोली थी वो भी आपसे बोली थी, पटना ना मारा नया भैया लोकसभा के प्रभारी, आजमगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष और बहुत ही ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम लोग के मार्गदर्शक प्रमाणी, मैं देवेंद्र सिंह से चाहूँगा कि रसा विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ता नेता को कार्यालय उद्घाटन के संबंध में आप थोड़ा संबोधन करें और लोगों को दिशा निर्देश करें। भारत माता की जय। सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, आज हम सब लोगों ने नामांकन किया। जो नामांकन का दृश्य था निश्चित रूप से हमको सबको, आप सबको आनंदित कर रहा था कि नहीं कर रहा। मैं भी आजमगढ़ के नामांकन में था, लालगंज के नामांकन में था, जगह जगह के नामांकन को मीडिया के माध्यम से देखने को मिला। उस देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का नामांकन हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला था, और इस उत्साह के बल पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 तारीख को मतदान छड़ी के निशान पर ही होगा, 4 तारीख को परिणाम भी छड़ी के ही पक्ष में आएगा, ऐसी गारंटी है। मित्रों, हम सब यहाँ कार्यकर्ता के नाते इकट्ठा हैं, और कार्यकर्ता के नाते जो हमारा काम है अगर उसमें हम पीछे रह गए तो नुकसान से है। 2-3 प्रश्न रह गए हैं चुनाव के, पहले तो गठबंधन की बातें खत्म हो गई हैं, गठबंधन को सारे लोगों ने स्वीकार करके, ये भारतीय जनता पार्टी NDA का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करता है, आवश्यकताओं को महसूस करके भाजपा से गठबंधन हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने इसको स्वीकार करके कमल और छड़ी में कोई अंतर नहीं है, ये साफ भाव दिखाई दे रहा है। मित्रों, कुछ चीज़ों को हमको आपको ठीक से जवाब देना होगा। जैसे कभी कभी समाजवादी पार्टी के लोग मिल रहे हैं तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि चुनाव जीत गए, लगता है ना? उसका ठीक से हमको आपको जवाब देने की जरूरत है। अगर जवाब हो ना हो तो मैं जवाब आपको बता देता हूँ, उस जवाब को रट लीजिए, उस जवाब को आपको देना है। केवल 2014 और 19 का लोकसभा का जो चुनाव परिणाम है उस पर आप नज़र दौड़ा लीजिए, आपको साफ समझ में आ जाएगा। जैसे आज भी नामांकन में और जगह जगह मैं कह रहा हूँ कि हमारा NDA के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर उतने वोटों से जीतेंगे जितना सपा और बसपा वोट पाएगी, उतने वोट से हम चुनाव जीतेंगे। इसी कारण जब मैं कहता हूँ तो ये अतिवाद नहीं बोलता हूँ, आंकड़ों के हिसाब से बोलता हूँ, जो आंकड़े बोलते हैं वही बोलता हूँ। 2014 का चुनाव उठा कर देख लीजिए, 2014 में
समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे ना, कितने लोगों को पता कि राजू राय ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यही थे ना, यही थे ना, कितना वोट पाए थे, कितना पाए थे, 1,49,000 हाँ 1,49,000 आता, कहीं कहीं 1,55,000, मैं 1,50,000 बोलता हूँ, मैं मोटे तौर बोलता हूँ तो 1,50,000 वोट पाए। जब यह बात उन लोगों से कही जाती है तो कहते हैं मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ गए थे, भाई आपके नादरी इदारे मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ गए थे आप उनका भी वोट ले लीजिए, तो वह भी मैंने 1,50,000 के आसपास वोट पाए थे, तो मुख्तार अंसारी का वोट कितना उसमें था, उसमें सुभाषपा का भी वोट था ना, 60,000, 70,000, 50,000 जोड़ लीजिए। मैं जोड़ते जोड़ते रानीपुर में सिंगेर के इवेंट में भाषण दे रहा था, जोड़ते जोड़ते 2,50,000 कहा कि अधिक से 2,50,000 पाएंगे, बहुत करेंगे तो 3,00,000 पा जाएंगे, सब लोग मेरे पे चढ़ लिए कि आप 3,00,000 कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से 3,00,000 पा जाएंगे, कैसे पा जाएंगे, हम कहा भैया मार मत करा लो, हम 3,00,000 उनकी दियावत ना आई, हम बोल दे तो उन्होंने कहा था 2,50,000 पाई हैं तो 2,50,000 से ना डकी है, ये हम गारंटी है, आप समाजवादी पार्टी का जितना वोट है सब उसके पक्ष में पड़ जाए कितना होता है, उससे अधिक होता है क्या, आप 2014 में 3,00,000 कितना 3,80,000 वोट पाए, 3,80,000 वोट पा करके हम लोग चुनाव जीते थे, आज 2019 में हम कितना वोट पाए थे 4,50,000 वोट पाए, गठबंधन था तब भी अतुल राय ही प्रत्याशी थे, उसी जात बिरादरी के प्रत्याशी थे, जो संकट आज है वो संकट 14 में था, वो संकट 19 में है, जो संकट 24 था, कि इसमें कोई दो राय है, आज हम 4,50,000 जो वोट पाए हैं उसमें सुभाषपा का वोट नहीं ना था, उसमें वोट नहीं ना था, उसमें बढ़ ही रहा है ना, उस 4,50,000 को इसको जोड़ दीजिए तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम जहाँ पहुँच रहे हैं उसके आसपास भी कोई पहुँच रहा है क्या, ये 2,50,000 पहुँच रहे हैं, हम सीधे सीधे 5,50,000-6,00,000 पहुँच रहे हैं, हमारे आसपास भी पहुँच रहे हैं क्या, कुछ लोग बड़े बेशर्मी सिंह के साथ बसपा की बात कर देते हैं, कर देते हैं ना, अरे चौहान प्रत्याशी है सब दे दी थी बसपा भी लड़ाई मुझे कुछ चुनाव जीत सकल, एक जन कह दे ना, ऐसा संभव है क्या, दो हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता सूत्रात् वायु च प्राणात् संघातगिनी रजायतां विद्यां अचरुष्कं समर्पयाम् अग्नि मिले पुरुषम् भूतानं शिवरक्तजम् हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्र वेदस्रवा स्वस्ति न ओंकार विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता ऋत्सो यरिष्ठानि मिहि